सबसे ज़्यादा जो हमारे एवरी में प्यारा बर्ड है वो ये वाला है। डरता बिल्कुल नहीं है लेकिन काटता बहुत गंदा है, इसको देखोगे नहीं डरे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अबली, आप देख रहे हैं मकबर खुशामदी देखो वीडियो में। अच्छा, आज मैंने अपनी एवरी में देखा तो हमारे एवरी में जो हम दाल यूज़ करते हैं अपने लव बर्ड के लिए वो ख़त्म हो चुके हैं। आपने ये डब्बा देखा, ये मैंने फुल फिल किया हुआ था, तकरीबन 15 दिन ये चल गया है, तो ये ख़त्म हो गए हैं। और उसके साथ जो थे हम जो रोज़ उसको सब्ज़ियाँ देते हैं सॉ फूड में ताज़ा सब्ज़ियाँ, वो भी 3 दिन हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। मतलब 3 दिन पहले मैं लाया था, अब ख़त्म हो गए हैं। तो आज मैंने क्या करना है, बाज़ार जाना है। एक तो मैंने ताज़ा सब्ज़ियाँ लानी हैं जो मैं यूज़ कराता हूँ, और एक दाल लानी है जो मैं अपने लव बर्ड को यूज़ कराता हूँ। तो अगर आप भी ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि कौन कौन सी सब्ज़ियाँ और दाल जो है मैं यूज़ करवाता हूँ अपने लव बर्ड को, तो वॉच करना लास्ट तक, क्योंकि आपको भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाएगा कौन कौन सी फूड इनके लिए बेस्ट है। साथ ही साथ जो है मैंने कोपेक्स लाना है। कोपेक्स मैंने किस लिए लाना है, अब 5 तारीख को इंशाल्लाह हमने बॉक्सेस लगवाने अपने लव बर्ड के लिए, तो बॉक्सेस में जो है ना कोपेक्स डाला जाता है, तो मेरे पास जो कोपेक्स है वो हमने नहीं डालना, मोर्टीन का जो कोपेक्स है वो हमने उसमें डालना है। तो मैंने कहा चलो आपके साथ छोटा सा व्लॉग जो है ना बना देता हूँ, आपको हेल्प भी मिल जाएगी क्या क्या चीज़ें मैं डेली की रूटीन में अपने लव बर्ड के लिए लाता हूँ, कितना खर्चा होता है मेरा मंथली इन पर, वो आपको ज़रा थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा। तो चलो मैं चलता हूँ बाज़ार की तरफ, आपको भी थोड़ा बहुत दिखाता हूँ। निकल तो गया हूँ लेकिन गर्मी, अल्लाह माफ़ करे, सूरज में आपको दिखाऊँ बिल्कुल सर पे चढ़ा हुआ है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी कोई 1 बजे का टाइम है तो अब जाना तो है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना सफ़र। जब यहाँ पे पहुँच चुका हूँ सब्ज़ी लेने, सबसे पहले यहाँ से सब्ज़ी लूँगा, फिर जो है ना उसके बाद जाना है दालों की तरफ। जो दाल मिक्स हम सॉ फूड में देते हैं वो लेने, और सब्ज़ी ताज़ी आई हुई है माशाल्लाह से, आप देख सकते हो बिल्कुल ताज़ी सब्ज़ी है, सारी चीज़ें हमें लेनी है। मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कौन कौन सी सब्ज़ी आप उनको खिला सकते हो, लेकिन मैं जो खिलाता हूँ वो आप भी उनको यूज़ करा सकते हो। अच्छा, अभी इसमें मैं पालक ले ली, ठीक है, पालक हो गई, गाजर हो गई, और जो है ना चिकंदर हो गई, गोभी बंद गोभी जो है वो हो गई, और साथ में खीरा हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से ले ली, सब्ज़ी शॉप से बिल्कुल ताज़ी ताज़ी आई हुई थी। सुबह ताज़ी होती है लेकिन इस टाइम भी ताज़ा मिल जाती है, फिर इसके बाद जो है ना ताज़ा नहीं होती, वो जो पुरानी होती है वो रह जाती है। तो अब हमें जाना है जो है ना वो सारी दालें लेनी हैं जो मैंने आपको बताई थी वीडियो में। अच्छा जी, तो अभी यहाँ पे पहुँचे हैं, सारे दाल जो है ना वो लेने हैं। मैं आपको साथ साथ बताता भी जाता हूँ कौन कौन से दाल हम उनको यूज़ कराते हैं, वो भी आपने यूज़ करानी है, ठीक है ना, एक एक मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ। तो आप वैसे नॉर्मली शॉप पे जनरल स्टोर पे जाओगे ना आपको सारे एक साथ ही मिल जाने। आप लोबिया लो ना तो आप कोशिश करो ये वाली मत लेना, ये वाली जो है ना लाल लोबिया ये वाली लेना आप, ठीक है, आपको वो ये वाली देने की कोशिश करेगा तो आपने ये वाली नहीं लेनी। ये अब सफ़ेद लोबिया हो गई। इसके बाद ये आती है माश की दाल छिलको वाली, ये वाली जो है ना ये माश की दाल छिलको वाली है, ये आपने ले लेनी है, आप अपनी मर्ज़ी से जितने आपको यूज़ करने हैं उतने आप ले लें। इसके बाद आपने छन्ने की दाल ले लेनी है, ठीक है, छन्ने की दाल ले लें। अच्छा, इसके बाद मूंग की दाल छिलको वाली, ये भी डन हो गई। इसके बाद काले छन्ने, ये रहे काले छन्ने, ये भी हो गए। अब इसके बाद जो हमने लेनी है वो है एक मोर्टीन कोपेक्स, ठीक है। अभी हमारे सारे दाल कंप्लीट हो चुके हैं, अब वो भाई हमें मोर्टीन के कोपेक्स देने लगा है। दो ये वाले है जो ना मोर्टीन के कोपेक्स, सॉरी वो वैसे नॉर्मली जो हम यूज़ करते थे ना तो वो अलग कंपनी की थी, अभी हमने जो बॉक्स में लगाने हैं वो ये वाली सही है। तो दाल भी हो गई, मोर्टीन कोपेक्स भी हो गया, और जो थी सब्ज़ियाँ भी हो गई है अब। अच्छा जी, तो हमारा बिल बन चुका है 910। अपने बर्ड्स पे थोड़ा खर्चा करें तो उनकी हेल्थ भी बरकरार रहेगी, उनकी क्वालिटी भी बरकरार होगी। अगर आप उन पर ख्वारी नहीं करेंगे, अगर आप उन पर पैसे नहीं लगाएंगे तो उनकी ना तो आपको क्वालिटी मिलेगी, ना तो जिस तरह आप चाहते हैं ना वो उस तरह ब्रीड कर पाएगा। आप तो थोड़े पैसे लगाएं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो आपके पैसे ज़ाया नहीं जाएंगे, वो आपको रिटर्न करके ही देगा। हमारे वापस आ गए, बस अभी सारा काम हो चुका है,
ऐसा ही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बाइक को हाथ लगाऊँ ना तो बिल्कुल तप रही है। तो अभी हमने क्या करना है, बस सीधा अब घर जाना है, बाकी थोड़ा सा काम है, लेकिन अब मैं व्लॉग में तो अभी नहीं दिखा सकता आप लोगों को। तो अभी ये कुहाड़ बाज़ार है, आपको ज़रा सा नज़ारा करा दूँ अगर कुहाड़ से कोई है तो उसको समझ आ जाएगा। ये रहा किंग गेट, ये किंग गेट है, और बाकी यहाँ से सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं। तो अभी चलो चलते हैं घर की तरफ, और बाकी वहाँ पे जाके बस इनको डब्बे वगैरह में डालना है, सारा ये काम भी आज ही ख़त्म करना है, फिर मिलते हैं आपसे। बाज़ार से आ चुका हूँ और सब्ज़ी को फ्रिज में रखवा दिया, और ये रहे हमारी मोर्टीन जो हमने ब्रीडिंग बॉक्स में डालने हैं, अभी तो नहीं, जब ब्रीडिंग बॉक्स लगवाएंगे तब की बात है। और ये रहे हमारे सारे दाल जो हमने मिक्स करके डब्बे में डालने हैं, ये काम मैं बाद में करूँगा, पहले थोड़ा सा रेस्ट, फिर इंशाल्लाह ये काम आपके सामने ही करूँगा। ये सारे मिक्स करने हैं और उसमें डालने हैं, बाद में आराम से हम इसको भिगो सकते हैं। अच्छा जी, तो रेस्ट हो चुका है कंप्लीट, तकरीबन 2-3 घंटे मैंने रेस्ट किया है। और यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो दाल ये रहे जो मैंने लाए थे, आपने देखी भी कितने में मुझे मिले थे। ये तकरीबन हमारा मंथली, मतलब मंथ में हम 2 दफ़ा ये लाते हैं, 15-15 दिन आराम से चल जाते हैं। साथ में जो है मैंने मोर्टीन लाया था, मोर्टीन कोपैक्स, ये भी हम जो है ना ब्रीडिंग के टाइम पर यूज़ करते हैं, जब हम के वो बॉक्स लगवाएंगे ना ब्रीडिंग बॉक्स, तब इसको हम यूज़ करने हैं। बाकी अब मैंने क्या करना है, बस इसको इस बॉक्स में डाल लेना है, क्योंकि फिर आराम से इसमें मिक्स होंगे सीधा। बस मैंने आपको जो तरीका बताया था कैसे भिगोना है, वो सारा अगर वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो कि कौन सी वीडियो है। बाकी आपको मैं लव बर्ड दिखा दूं, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो है ना पैर लग चुके हैं हमारे, यहाँ पे ग्रीन फिशर वगैरह सारे हमारे पास हैं। और ये वाले जो है ना, इनकी थोड़ी अभी एज कम है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अभी वेस्ट है, वेस्ट इस वजह से कि इनकी एज कम है, अभी कोई 5 मंथ इनके एज है, सब की छोटे हैं अभी, तो अभी ब्रीडिंग के लिए तैयार नहीं थे। इंशाल्लाह हमसे इनसे जो है ना एक क्लच ज़रूर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो जावा बर्ड्स हैं, उन्होंने भी अपनी नेस्टिंग स्टार्ट किया, और नेस्टिंग मैंने थोड़ी बहुत चेंज कर ली है, जो हमारी नॉर्मल घास हमें मिलती है ना चमन में हम जो उगाते हैं, वो मैंने ला के उनको थोड़ा बहुत सुखा दिया, वो अभी डाल दी मैंने, ठीक हो गया। बाकी हमारे पास और बर्ड्स भी हैं, रेड आई माशाल्लाह, और ये वही रेड आई है, अगर आपको याद हो मैंने एक व्लॉग में आपको बताया था कि इसके जो है ना आँख का थोड़ा सा मसला हो गया था, दाना आ गया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। सबसे ज़्यादा जो हमारे एवरी में प्यारा बर्ड है वो ये वाला है, डरता बिल्कुल नहीं है, लेकिन काटता बहुत गंदा है, इसको देखोगे ना ये डरेगा ना ये काटेगा, और इतना गंदा काटता है ना कि बस आपकी चीखें निकल आई। इसमें से भी एक है लेकिन थोड़ा बहुत ये डरता है, ये भी अभी फ़िलहाल नहीं डर रहा मेरे से, देख रहे हो अभी काटने की ट्राई कर रहा है, ये वाला भी कर रहा है। चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इसमें मैं इसको डाल लेता हूँ, और फिर जो है ना ये हमारा दाना है जावा का, और ये इनको हमने इसमें मिक्स करके फिर डालना है, ओके। साथ ही साथ मैं आपको सब्ज़ियाँ भी दोबारा से दिखा दूँ, ये अभी में भी मैंने निकाल ली, अभी इनको धोना है सबको, ठीक है। धोने के बाद जो है ना अभी भी इनको खिलानी है, और बाद में ये मैं आपको वीडियो में नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी फिर, और मैंने जल्दी जल्दी वीडियो बना के अपलोड भी करनी है। तो अभी ये बात का काम है, और फिलहाल जो है ना दाल का काम करते हैं। अच्छा जी, तो दाल सारे हमारे जो थे वो मिक्स हो चुके हैं, डब्बे में डाल लिए, बस उसका काम ख़त्म है, वो हम जो है ना कल उसको खिलाएंगे। बाकी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड होना है ना, तो आपने क्या करना है, जो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर स्क्रीन पे आपको ना दिखे तो आपने क्या करना है, उस पर अपना नाम और सिटी का नाम जो है ना वो सेंड कर देना है आपको हम ब्रॉड। बाकी अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए चाहिए तो आपके लिए मैं बना सकता हूँ, फ्री बैठा रहता हूँ तो आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा, आपको
किसी भी टाइप का वीडियो चाहिए हो, आप चाहते हो कि मैं आपके लिए बना दूँ, मतलब कोई सा भी हो। वैसे नॉर्मली तो हम वही बनाते हैं जो एक न्यू फ्रीलांसर शुरुआत करता है, तो उनके लिए हम बना देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में अगर कोई टॉपिक ना हो तो आप हमें बता सकते हैं। सॉरी, बाकी आपको मैंने आज का भी जो है ना अपने एवरी का दीदार तो करवा दिए, सारे बर्ड्स आपको दिखा दिए, और इंशाल्लाह आगे भी दिखाता रहूँगा, प्रोग्रेस इनकी दिखाता रहूँगा आपको। तो लाइट भी चली गई है, और बस यार आज के लिए मैं को इजाज़त दीजिए, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।